वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर में लोग सहमे हुए हैं। कुछ ऐसे ही हालात अब भारत में भी हैं। सरकार इस नए वेरिएंट को लेकर गंभीरता से काम कर रही है क्योंकि कई देशों में इससे संक्रमण फैलना शुरू हो चुका है। ऐसे में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया है कि आखिरकार कोरोना का ये नया वेरियंट इतना खतरनाक क्यों है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरियंट में उसके स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा बदलाव है और जिससे ये एक और ज्यादा विकसित करने की क्षमता अपने आप में रखता है। यही कारण है कि अब इस वेरिएंट के खिलाफ कोरोना वैक्सीन की प्रभावकारिता का भी गंभीर मूल्यांकन करने की बेहद जरूरत है। स्पाइक प्रोटीन की उपस्थिति से किसी भी मानव शरीर के कोशिकाओं में वायरस को प्रवेश की सुविधा मिल जाती है और इसे उस व्यक्ति के शरीर को संक्रमणीय बनाने और संक्रमण पैदा करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऐसे में कोरोना के इस नए वेरियंट को लेकर एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी बताया कि कोरोना वायरस के नए संक्रमण में स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा परिवर्तन हुए हैं और इसीलिए इसमें ज्यादा विकसित करने की क्षमता है। लेकिन लगातार देखिए बार-बार ये तमाम जानकारी इसके बारे में सामने आ रही है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस सावधान रहना है, सतर्क रहना है और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है क्योंकि अब तक 12 देशों में इस वेरिएंट को देखा जा चुका है। लोगों में ये वेरिएंट काफी तेजी के साथ फैल रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में अभी भी एक भी केस नहीं है ओमिक्रॉन का। इसीलिए इसी तरह से अगर हम सावधानी बरतेंगे, सतर्क रहेंगे, तो आने वाले दिनों में भी भारत में ओमिक्रॉन का कोई भी केस नहीं रहने वाला है क्योंकि सरकार भी अपने स्तर पर पूरी तैयारियां इसको लेकर कर रही है।